आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्कार, सादर प्रणाम। आज मैं बेहद व्यथित हूँ और मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई हिमाकत हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुँचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन लेने, राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी, बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने दो दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर, आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में एक एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन, हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया, लेकिन भगवान की दया से वो बच गई उस वक्त। तब मैंने कसम खाई थी कि इस व्यवस्था को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ठीक करूंगा। तब तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा। पर कहते हैं ना कि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई संकल्प करते हैं तो ऊपर वाला भी अपने तरीके से आपका संकल्प पूरा करने में मदद करता है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए, ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली, ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5-5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था, आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था
किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया, और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर, अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी, क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर। आपने ये भी लिखा है कि चूंकि राशन दुकानदारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ केस कर रखा है, इसलिए ये स्कीम खारिज की जा रही है। इस बात पे आप स्कीम कैसे खारिज कर सकते हैं? ये राशन दुकानदार इस योजना के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेने गए थे, हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे देने से मना कर दिया। जब हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया तो आपने इस स्कीम पे स्टे कैसे लगा दिया? आपको इन राशन वालों से इतनी हमदर्दी क्यों है? अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे सर, तो इस देश के गरीब लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? दिल्ली के उन 70 लाख गरीब लोगों का क्या होगा जिनका हर महीने ये राशन माफिया राशन चोरी कर लेता है? उन 20 लाख गरीब परिवारों की कौन सुनेगा? और एक बात, उस हाईकोर्ट के केस में केंद्र सरकार भी पार्टी है। कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। क्या कहा है कोर्ट में केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने कोर्ट में हमारी इस योजना के खिलाफ एक भी आपत्ति नहीं की है। जब कोर्ट में आपको हमारी योजना के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर कोर्ट के बाहर अब इस योजना को खारिज क्यों किया जा रहा है? ये कोरोना का बहुत कठिन समय है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कोरोना होने के डर से राशन लेने नहीं जाते। राशन दुकान पे भीड़ लगती है, लोगों को लगता है कि अगर वो राशन लेने गए तो उन्हें कोरोना हो जाएगा। ये सब गरीब लोग हैं सर, इनमें कई लोग कोरोना काल में अपनी नौकरी खो चुके हैं, उनके घर में अब खाने को नहीं है। अगर हम उन्हें इनके घर तक राशन पहुंचाना चाहते थे, तो इसमें आपको क्यों आपत्ति है? कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ेगी। अगर उनके माता पिता को राशन दुकान पे भीड़ की वजह से कोरोना हो गया, तो उनके बच्चे भी तो फिर कोरोना ग्रसित हो जाएंगे। मुझे तो लगता है सर कि कोरोना काल में केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में घर घर राशन योजना तक या घर घर तक राशन पहुंचाने की इस योजना को लागू कर देना चाहिए। ये दुकानें सुपर स्प्रेडर हैं, राशन के दुकानों पर लगने वाली भीड़ से बचा जा सकेगा। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं सर जो राशन की दुकान से राशन लेने नहीं जा सकते? कितनी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जो राशन की दुकान से राशन नहीं ला सकती? अगर हम उनके घर राशन पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें क्या समस्या है? केंद्र सरकार के कुछ ऑफिसर कह रहे हैं कि इस स्कीम के खारिज होने का असली कारण यह है क्योंकि केंद्र सरकार का राशन है, ये योजना लागू करके दिल्ली सरकार को इसका श्रेय क्यों मिलना चाहिए? सर यकीन मानिए, ये काम मैं रत्ती भर भी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह गरीबों को उनका पूरा राशन मिले। आप प्लीज मुझे ये लागू कर लेने दीजिए, सारा क्रेडिट आपका, सारा श्रेय आपका। मैं खुद सारी दुनिया से कहूंगा खड़ा होके कि ये योजना मोदी जी ने लागू की है। और फिर ये राशन ना आपका है ना मेरा है, ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है ना भाजपा का है, ये राशन तो इस देश के लोगों का है। और इस राशन की चोरी रोकने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। इस वक्त देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है, ये वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद करने का है, ये वक्त एक दूसरे से झगड़ने का नहीं है। लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है,
आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है, ऐसे देश कैसे चलेगा? आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं? हम सब आपके ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। ऐसे में हम सब आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे? हमें आपस में नहीं लड़ना, हम सबको मिलके कोरोना से लड़ना है। कल सब लोग अखबारों की ये हेडलाइन पढ़ना चाहते हैं, मोदी जी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलके दिल्ली के हर गरीब के घर राशन पहुंचाया, ये पढ़ना चाहते हैं लोग। लोग टीवी चैनलों पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं कि मोदी जी और केजरीवाल ने मिलके दिल्ली के लोगों के, गरीब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया। लोग ये खबर पढ़ना चाहते हैं सर, लोग ये खबर सुनना चाहते हैं। लोग ये नहीं सुनना चाहते कि केंद्र सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार से झगड़ा कर लिया, कि केंद्र सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार की एक और अच्छी योजना पर रोक लगा दी। मैं हाथ जोड़ के दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से आपसे विनती करता हूं, सर प्लीज इस योजना को मत रोकिए, ये राष्ट्रहित में है, इसे होने दीजिए। आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया, मैंने हमेशा कहा है कि राष्ट्रहित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार भी राष्ट्रहित में कोई काम करती है, हम उसका साथ देते हैं। राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए सर। अभी तक की सरकारों ने देश के गरीब लोगों को 75 साल तक राशन की लाइन में खड़ा रखा, इन्हें और अगले 75 साल राशन के लाइनों में खड़ा मत कीजिए सर, नहीं तो ये लोग मुझे और आपको कभी माफ नहीं करेंगे।